ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੀ। ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਹਲਕਾ। ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੇ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਵਰਗੇ ਦਿੱਗਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਸੀਟ 'ਤੇ, ਵਿਕਾਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਹਲਕੇ ਦਾ ਜਾਣਨ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵੇਖੋ। डिस्ट्रिक्ट संगरूर में 7 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिसमें से लहरागागा भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि पंजाब की पूर्व मुख्यमंत्री राजेंद्र कौर भट्टल इसी इलाके से 5 बार विधायक रही हैं कांग्रेस की टिकट पर, और उन्होंने अपने इलाके का कैसा विकास किया है ये हम इलाके के लोगों से जानेंगे, और इलाके के लोगों के सवालों का जवाब हम विधायिका से पूछेंगे। विधानसभा हलका लहरागागा संगरूर जिले का एक महत्वपूर्ण हलका है। इस हलके की काफ़ी हद हरियाणा के नाल लगती है। जे गल लहरागागा के सियासी दृष्टि की जाए तो इस हलके में ज़्यादा दबदबा कांग्रेस का ही रहा है, पर इतों एक बार अकाली दल, एक बार CPI और एक बार आज़ाद उम्मीदवार भी जित दर्ज कर चुके हैं। पर 1992 तो लैके हुण तक इस हलके तो कांग्रेस ही जितती आ रही है। कांग्रेस की सीनियर आगू रजिंदर कौर भट्ठल लहरागागा तो लगातार 5 बार विधायक बनते आ रहे हैं। रजिंदर कौर भट्ठल नूं पंजाब की पहली महिला मुख्यमंत्री होने का माण भी हासिल है। 2012 दीआं विधानसभा चोणां विच रजिंदर कौर भट्ठल ने अकाली दल के उम्मीदवार सुखवंत सिंह नूं 3355 वोटों के फर्क नाल हराया सी। जे गल हल्के दे वोटरां दी कीती जाए तो इस हल्के दे विच कुल 1,34,786 वोटर ने, जिन्हां दे विच 62,233 महिला अते 72,553 मर्द वोटर ने। रजिंदर कौर भट्ठल लंबे वक्त तो इतों जित आ रहे ने। उन्होंने अपने हल्के का किन्ना विकास करवाया, जो इस बारे लोगों का पक्ष असी जाणिया तो उन्हों का हुंगारा कोई बहुता चंगा नहीं सी। हलका वासियों के मुताबिक सड़कां, सीवरेज अते पानी सप्लाई का माड़ा हाल है। सिक्ख्या अते सेहत सेवावां दे विच भी कई खामियां ने। शिकायत सारिया ने, कोई भी कम नहीं है। की शिकायत दसी गिण के, सड़कों का हाल देख लो, सीवरेज पैन लगे और पूरा नहीं हो हाल तक, तो गलिया नालियां पट्टियां पईयां ने, बुरा हाल है, कम का ठप है। सड़कों का बहुत बुरा हाल है, होस्पिटल डॉक्टर नहीं है, तो अपना सरकारी स्कूलों के मास्टर नहीं है, तो इतने जानू बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नेगियाँ। बच्चों की कोई स्टेड भी नहीं है, कोई जाने कि इतने का कोई फ्यूचर नहीं है साढ़े लिए, इतने असी बहुत ज़्यादा परेशान है। हल्के के विकास की दौड़ में पछड़ जाने बारे जदों मौजूदा विधायक रजिंदर कौर भट्ठल नूं सवाल किया गया तो उन्होंने सारा ठीकरा सूबे की अकाली BJP सरकार के सिर पर बन दिता। उन्होंने इल्जाम लाया कि पिछले 10 सालों के दौरान सूबा सरकार ने विकास का की करना सी, बल्कि जो प्रोजैक्ट उन्होंने कांग्रेस सरकार वेले हल्के लिए लियांदे सन वह भी बंद करवा दिते गए ने। इंजीनियर कॉलेज में लियाई सी, बंद होने के किनारे इन्हों के 10 साल इंटरनेर होया है। हस्पताल में लियाई सी, उत्थे डॉक्टर नहीं भेजते, बंद होया पैगा। इस तरह नाल जिहड़ी मंडी बनाई, साढ़े किन्नियां चीज़ां बनाइया, वो सारिया चीज़ा साड़ियाँ जिहड़ियां हैगियां ये बंद हो बस अड्डा हैगा। सो अकाली दल तो विनाश के उत्ते कहे भी सी लड़ रहे हैं। रजिंदर कौर भट्ठल के इल्जामों नूं अकाली दल पूरी तरह नकार रहा है। अकाली दल का तर्क है कि पिछले 10 सालों के इस हल्के का रिकॉर्ड विकास होया है अते हर कोने विच विकास के काम बड़ी तेजी दे नाल चल रहे ने। कोई इहो जिहा शहर की गली नहीं है जिथे कम ना चल रहा हो, कोई भी मतलब वाटर सप्लाई, सीवरेज, सारिया सड़कों का, सारे लहरे शहर च आले दुआले पिंड, हरेक पिंड की हरेक गली च, हरेक गली नाली, कोई भी मतलब किसी भी तरह विकास का कम है वो चल रहा है। उधर सूबे के नक्शे से तीजी धिर वजों उभरी आम आदमी पार्टी ने हल्के के पछड़े पंद लई कांग्रेस अते अकाली दल दोवां नूं जिम्मेवार दस्सिया है। तो अज तक इन्होंने ना कांग्रेस ने किया ना अकालिया ने किया। हुण डिवेलपमेंट लहरागागे की है वो ये हैगी आ कि इत्थे 9.5 सालों के किसी ने कोई डिवेलपमेंट नहीं हुई। हुण ये पिछले 6 महीनों तो लगातार लगे हुए हैं ढींसा साहब, क्योंकि वो अपना हलका छड़ के आ रहे। इस बार हलका लहरागागा की सियासी जंग बड़ी दिलचस्प होने की संभावना बनी हुई है। क्यास लाए जा रहे हैं कि अकाली दल वालों इस बार सूबे के मौजूदा खजाना मंत्री परमिंदर सिंह ढींसा कांग्रेस के उम्मीदवार को टक्कर दे सकते हैं। अकाली दल कांग्रेस तो इलावा
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਰੋਮਾਂਚਕ ਬਣਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਪੁਨੀਤ ਪ੍ਰਿੰਜਾ, ਜ਼ੀ ਮੀਡੀਆ, ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ।